अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इस वक्त हम फैसल मस्जिद के एंट्रेंस पे जो है खड़े हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिनको मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, गवर्नमेंट को भी और जो आवाम है हमारी, जो यूथ है, और उन सबको भी मैं ये बातें ज़रूरी समझता हूँ बतानी चाहिए। सबसे पहले जब मैं यहाँ पर एंटर हुआ तो ये जो एंट्रेंस है फैसल मस्जिद की, यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है। सिगरेट के पीछे जो फिल्टर्स लगे होते हैं वो भी यहाँ पर ढेर सारे पड़े हैं। उसके अलावा और भी ऐसी गंदगी है जो कि यहाँ पर मौजूद है, और मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट को और आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप यहाँ पे एंटर होते हैं तो गंदगी यहाँ पे ना मचाएं। उसके अलावा यहाँ का जो सिस्टम है, डिसिप्लिन थोड़ी सी कम है। उसके अलावा सिक्योरिटी जो है शायद यहाँ पे हो लेकिन वो इतनी एक्टिव नहीं है यहाँ पे, और जो मैनेजर्स है जो इस पूरी फैसल मस्जिद को मैनेज करें वो यहाँ पे बेशक होंगे लेकिन वो इस तरीके से उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। और जो लोग हैं उन्होंने इस मस्जिद को जो एक पिकनिक पॉइंट बना लिया, सब लोग यहाँ पे आते हैं फैमिलीज के साथ, लोग जो है गंद मचाते हैं यहाँ पे। भाई जो है ग्राउंड है वो ग्रीनी सारी ग्राउंड में नहीं है, बिल्कुल पूरा एक बहुत बड़ा ग्राउंड है लेकिन वहाँ पे बिल्कुल भी ग्रीनी नहीं है। तो लोग यहाँ पर आते हैं एज अ पिकनिक पॉइंट, लोग इसको समझ के यहाँ पे आते हैं, लोग एंजॉय करते हैं, वापस जाते हैं और गंदगी को उसी जगह पे छोड़ देते हैं। तो मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि गंदगी यहाँ पे बिल्कुल ना मचाएं, इस जगह को साफ रखें और इस जैसी और भी जितनी जगह हैं पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल उसको साफ रखें। यहाँ पे मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, मैं जब फैसल मस्जिद आया तो कुछ चीज़ें मैंने इसे नोट की जो कि मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। सिस्टम यह है कि जब आप हमारे दीन को देखें, इस्लाम को देखें, तो वहाँ पर मस्जिद के अपने एक रूल्स हमें जो है सिखाए जाते हैं बचपन ही में। मस्जिद के अपने एक रूल्स होते हैं, जब आप वहाँ पे एंटर करते हो तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उनमें से एक रूल ये है कि पर्दा करना। बाहर ममालिक में आप देखिए, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, जब आप वहाँ पर कोई औरत मस्जिद जाती है तो वो बिल्कुल बापर्दा मस्जिद जाती है। इवन अबू धाबी में जो एक बहुत बड़ी मस्जिद है शेख जाहिद के नाम से, वहाँ पर जब नॉन मुस्लिम भी जब वहाँ पर एंटर होते हैं तो बाहर की मैनेजमेंट के लोग होते हैं, वो उन्हें वो कपड़े प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारे दीन में हमें बताएँ गए हैं। और वो कपड़े पहनने के बाद नॉन मुस्लिम जो है, या मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, वो जो है बापर्दा उस मस्जिद में एंटर होते हैं क्योंकि विजिटिंग स्पॉट्स होते हैं और वहां पर वो विजिट करते हैं। यहां पर जब मैं आया, यहां पर मैंने ये नोटिस किया कि बहुत से अजीब से ज़हनियत के लोग यहां पर आए हैं, बहुत से ऐसे लोग यहां पर आए हैं उन्होंने जो है वो पूरे सिस्टम के साथ, पर्दे के साथ वो जो है अंदर दाखिल नहीं होते। तो मैं लिहाजा आप सब लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि मस्जिद के अपने रूल्स होते हैं और हम सबको चाहिए कि जब भी हम मस्जिद में एंटर हो तो हम उन रूल्स को फॉलो करें। जितनी भी औरतें हैं, मैं फीमेल है पाकिस्तान की, क्योंकि हम एक इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान को ला इलाहा इल्लल्लाह के बुनियाद पर बनाया गया, हम सब लोग मुसलमान हैं, तो हमें चाहिए कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें बताए गए हैं हम उन सबको फॉलो करें। उसके अलावा मैं गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि यहाँ पे अपने लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं फैसल मस्जिद के लिए, क्योंकि डिफरेंट लोग यहाँ पर आते हैं, डिफरेंट ज़हनियत के लोग यहाँ पर आते हैं, तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस जब यहाँ के माहौल के लिए बनेंगे तो बात यह होगी कि सब लोग उनको जो है फॉलो करेंगे, तो फिर सब लोग सेफ्टी के साथ और बापर्दा के साथ जो है वो अंदर मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सीरत नबी के हवाले से किताब है, सीरत फाउंडेशन लंदन ने ये भाई क्या बोल रहे हैं, और वहाँ से आप उसने भी पास कर दिया।